और यहाँ पर इतना फुटफॉल क्रेज हो गया है, ऐसे रास्तों पर आप कैसे 1000 सीसी बाइक चलाओगे यार भाई साहब। करियर एंडिंग वाला पोटहोल लॉर्ड एल तो कोई भी अलग स्टेट से आप कंपेयर कर लो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और यह है ग्राउंड, आप देख सकते हो काफी सुंदर है। मिस काफी सुहाना दिन है, आज हम इस रेनी डे पर फुटबॉल खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको मेरा जो प्लान है वो बताना चाहूँगा। पहले मुझे अपने फ़ोन को लेना है जो कि मैंने बनाने दिया था, तो फ़ोन तो नहीं बन पाया सो इसलिए मुझे रिफ़ंड लेने जाना है। तो उसके बाद मैं न्यूजली नाहरलगन के थ्रू 6 माइल तक जाऊँगा ईटानगर, जो कि ईटानगर पर वहाँ पर मेरे एक दोस्त का फुटसाल ग्राउंड है जो कि है सोकू एरेना। आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो सोकू एरेना, तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सोकू एरेना पर आप बुकिंग करके आप फुटबॉल खेल सकते हो। तो आज मैं वहीं पर फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, और रेनी सीजन में फुटबॉल का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये तो एक आर्टिफिशियल तरफ है, तो हमने तो अपने यंग डेज मतलब जब हम बच्चे थे उस समय जो ओरिजिनल जो ग्राउंड रहता था, काफ़ी मतलब प्रॉपर ग्राउंड नहीं रहता था, उस पर भी मज़ा आ जाता था जब बारिश का समय होता था। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ आर्टिफिशियल ग्राउंड पर। और फुटबॉल तो मैं खेलता ही रहता हूँ, तो टाइम पर मैं उसका भी ब्लॉग डालता रहूँगा। तो मैं यहाँ पर द्विमुख मार्केट पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से मैं अपना फ़ोन और जो मैंने कैश दिया था उसका रिफंड लेने आया हूँ। तो उसके बाद मैं अपने दोस्त के लिए रुकूंगा जो कि करसिंगसर से आ रहा है, यूजुअली बागे तीन आली पर रुकूंगा मैं। पोको क्या हो गया, नहीं बना ना रिफंड? फ़ोन का साथ दे दो। मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन ले लिया है, और मेरे फ़ोन का सीन ऐसा है, मतलब मदरबोर्ड जो है वो ख़राब हो गया ऐसा इन लोग कह रहे हैं, पर जो डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल ठीक है पर ऑन नहीं हो रहा। तो मुझे भी लगता है मदरबोर्ड पर प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड जहाँ पर CPU आपका रैम रोम सब कुछ लगता है वही। आई विल हेड टूवर्ड्स न्यूजली, सो आई विल वेट देयर फॉर माई फ्रेंड। 5:30 से मैच शुरू करने की बात करी गई थी, पर अभी तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, मतलब लेट पहुंचने वाला हूं मैं। आपको पीस ऑफ एडवाइस है, आप जब राइडिंग कर रहे हो, मेरा तो कम से कम मोर देन अ डेकेड हो गया एक्सपीरियंस, मोर देन अ डेकेड आई हैव रोड एवरी मोटर बाइक एंड दिस फोर व्हीलर, आई हैव नेवर मेट विद एन एक्सीडेंट, सो आई थिंक स्कोर फॉर देट ऑल्सो। हाँ, ह्यूमन आई एक ही चीज़ को फोकस कर पाता है, पर आपका विजन जो है ऑलमोस्ट 180 डिग्री आप देख पाते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब कुछ मूवमेंट हो या फिर कुछ भी हो आपको दिख जाएगा। अगर आप अपना फील्ड ऑफ विजन मतलब एक्सपांड करके रखते हो तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे ओवरटेक कर रहा हूँ, और आगे पर पेट्रोल पंप है मुझे दिख गया है। ये तो मेरा एक डोमेस्टिक रोड है तो मुझे पता है, पर आप देख सकते हो जैसे कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ यहाँ पर एक एली है ये लेफ्ट पर, मुझे पता है तो मैंने उसे देख लिया था कि वहाँ से गाड़ी आ रही कि नहीं, तो मैंने इसलिए ओवरटेक किया। तो यहाँ पर भी एक टर्निंग आप देख सकते हो, मैं ऊपर आगे की तरफ देखूंगा वहाँ पर गाड़ी नहीं है तो मैं ओवरटेक करूंगा। सो दिस इज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आपका जो है विजन जो है काफ़ी दूर तक आपको देखना है और सराउंडिंग को मॉनिटर करना है, ठीक है, या फिर आपको स्कैन करना है, बस स्कैन करना है सिंपल सा, आपको फोकस नहीं करना है एक चीज़ पर। और आप रास्ते पर भी अगर ये सीधे आप देख कर आप अगर जाओगे तो वही वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो रेडी नहीं रहता है, आगे से कुछ आ रहा हो तो आपका दिमाग जो है वो सडन मोमेंट में अच्छे से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं रेडी हो जाता हूँ तो मुझे एक रिएक्शन टाइम मिलता है, जैसे कि वहाँ से गाड़ी आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर इस गाड़ी को जो ये JCB जो चल रहा है उसे ही मैं फोकस करूँ तो मुझे इस साइड राइट साइड से जितने भी गाड़ी आ रहे हैं वो मुझे शॉक करेंगे, क्योंकि मेरा दिमाग रेडी नहीं है उन सबको टैकल करने के लिए। मतलब मेरा टिप यही है कि आपको हमेशा थोड़ा 100 कदम आगे का सोचना चाहिए, यही सब चीज़ आपको नोटिस करना है, और आपको इसी सब चीज़ों को सिर्फ मॉनिटर करना है, हल्के फुल्के से जो स्कैन करते हैं वो इस पर स्कैन करना है। मैंने पिक किया और यहाँ पर टर्निंग है, पर और मैं टर्निंग पर एडवाइस नहीं दूंगा आपको ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि अगर टर्निंग पर आप ओवरटेक करते हो कुछ हो जाता है तो आपका ही पूरा गलती है। दिस इज़ दी नेशनल हाईवे 415। तो अभी नेशनल हाईवे जो है वो बन रहा है, ये सब जो लैंड है ये लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ से छोटा सा स्ट्रीम जो है वो बहता था, तो वो पानी जो है ना बहने के कारण आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिवर स्ट्रीम
और यहाँ पर है ट्रेन का पानी, और मैंने कुछ रेनकोट वगैरह भी नहीं पहना है क्योंकि आई जस्ट लव रेनी डेज मैन। तो भीगने में काफ़ी मज़ा है, मतलब रोमांटिक सा मूड आ जाता है। और देख सकते हो रास्ता काफ़ी, तो मैं अपना यहाँ पर सफ़र जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने कॉल लगाया अपने दोस्त को और उसने कहा है कि उसके पास रेनकोट नहीं है, नहीं आ पाएगा, ऐसा उसने कहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये माउंटेन को हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो इसे काट रहा है, और यहाँ पर इतना पोटहोल्स क्रिएट हो गया है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे पर किस टाइप का एक्सपीरियंस रहता है। बारिश हो तो पोटहोल, अगर धूप हो तो धूली। तो मेरा इरादा नहीं था इस नेशनल हाईवे से आने का, मैं यूपीआ से चले जाता कि वह एक अल्टरनेटिव रोड है, वहाँ का रास्ता अच्छा है। मुझे यहाँ से इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरा जो दोस्त है अभी जिसको मैं रुक रहा था वो बागे तक आएगा, ऐसा उसने कहा था। तो यहाँ पर आधा अधूरा काम चला हुआ है, यहाँ पर 4-way बनेगा। तो ये एक साइड का जो है बिटुमेन ले कर दिया गया, मतलब बिछा दिया है। तो पहुँचते तो अंधेरा हो जाएगा, पर देखते हैं कैमरे पर अच्छे से आएगा कि नहीं। और मैं जो ये कैमरा जो यूज़ कर रहा हूँ वो है DJI Osmo Action 2। अभी वो 3 निकल चुका है, Osmo Action का 3 या 4 निकल चुका है दोनों ही, और जो नया जो निकला है वो काफ़ी अच्छा है। ये GoPro Hero 7 से तो बहुत बेटर था उस समय, तो मैंने GoPro नहीं लिया क्योंकि बजट पर भी, बजट के बारे भी सोचना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ख़राब है, ऐसे रास्तों पर आप कैसे 1000 सीसी बाइक चलाओगे यार। यहाँ पर सुपर स्प्लेंडर, TVS स्टार सिटी, वही सब बाइक जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम तो पहाड़ी वाले लोग हैं, तो हमें तो स्पीड इतना मैटर नहीं करता। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन बहुत मैटर करता है, मतलब जो इनिशियल टॉर्क जो है वो बहुत मैटर करता है। जिस गाड़ी का जो टॉर्क जो है वो अच्छा होता है वो यहाँ पर काफ़ी तेज लगता है, क्योंकि यहाँ में शॉर्ट टर्न बहुत ज़्यादा है और आपको फटाक से काट के इनिशियल पिकअप जल्दी ले लेना है। तो देख सकते हो रास्ता कितना ख़राब है, और ये मोर देन 5 ईयर्स, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट का अभी शायद 10 साल होने वाला है, 2024 को तो 10 साल हो जाएगा, तो 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से रास्ता कुछ ऐसा ही है। तो पता नहीं कौन से पार्टी ने, मतलब मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी ने इसका जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया होगा, उसके बाद ये जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है। सो अब देख सकते हो काम अभी भी आधा अधूरा है और काफ़ी ख़राब है रास्ता, और ये कैपिटल का रास्ता है यार, आप सोच के देखिए ये कैपिटल का रास्ता है। कहीं अंदर लोकेशन का रास्ता होता तो अलग बात था, ये NH 450 नेशनल हाईवे का रास्ता है, ऐसा है कुछ। तो मैं अपने टाइम से काफ़ी लेट पहुंचूंगा वहाँ पर, क्योंकि साढ़े पाँच को पहुंचने का टाइम दिया गया था, तो मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कैरियर एंडिंग वाला पोट होल, लोड दे रिक्शा। कहीं भी पोट होल से यार, कहीं भी, पर रास्ता बन जाने के बाद काफ़ी अच्छा होगा। अभी काफ़ी स्पेशियस लग रहा है जो रास्ता नया बनेगा इसलिए, और मैं यहाँ पर पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि बारिश में भीगने का ही कुछ मज़ा अलग है बे। काफ़ी ट्रैफिक है यार, काफ़ी ट्रैफिक। अभी तो बारिश दे रहा है इसलिए मतलब मैं भीग भी चुका हूँ, मुझे साफ सफाई से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए मतलब ये ट्रैफिक जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा। पर समर के समय जब धूप रहता है ना तब एकदम
आपका जब गाड़ी का एसी नहीं चल रहा होता है या फिर इसका भी इंजन बहुत गर्म होता है इस बाइक का, तो उस समय पर ट्रैफिक जाम होते समय दिमाग मतलब 1-2 का 4 हो जाता है भाई, इतनी गर्मी रहती है ना कि क्या बताऊँ, और दिमाग अच्छे से भी काम नहीं कर पाता। ये देखिए इतना ट्रैफिक है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, यही आपको मान के चलना है। और मुझे तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, पर हाँ थोड़ा ठंडा तो लग रहा है। तो एड्रेनलिन रश हम फुटबॉल खेल के वापस वो करेंगे। काफ़ी ज़ोर से आ रहा है बारिश, अभी तो मैं रात पर ही पहुंचूंगा शायद, अंधेरा होने जा रहा है। तो दिस इज़ दी बारापानी ब्रिज, और इसे भी एक रिनोवेशन की ज़रूरत है, और पानी काफ़ी बड़ा हो गया आप देख सकते हो यार। और एक बात आप सबको कहना चाहूँगा, मतलब हमारे अरुणाचल पर आप कोई भी अलग स्टेट से आप कंपेयर कर लो, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और जो आप पेट्रोल वेट्रोल वो वगैरह जो ऑयल रिफाइनरी वो सब चीज़ को छोड़ के, जो पानी वगैरह जो एक बेसिक ह्यूमन को चाहिए जीने के लिए, वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, पर लोग क्या करते हैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, तो वी आर हार्मिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज स्लाइड। ओके, तो उसे हम स्कीडिंग कहते हैं। दैट इज़ थ्रू दिस वेट सरफेस, वेट सरफेस का मतलब क्या, पानी के वजह से स्कीडिंग होता है, क्योंकि टायर जो है वो अच्छे तरह से रोड को रोड के साथ ग्रिप नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके बीच में पानी का लेयर होता है। तो इसलिए बारिश के समय पर आपको ब्रेकिंग पर भी 100% भरोसा नहीं रहना चाहिए, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि आपको असेंबली में छोटे समय पर सिखाते हैं ना, वन हैंड डिस्टेंस लाइक दैट, क्योंकि ये सब तो छोटे गाड़ी हैं। आप अगर ट्रक वगैरह की बात करोगे, जैसे कि हैवी लोडिंग वाले गाड़ी, तो उनके पीछे पर आप अगर ज़्यादा क्लोज चलोगे ना, वो तो अगर ब्रेक होल्ड नहीं कर पाए तो वो पीछे सरक के आ जाएगा और आपको रिएक्शन टाइम भी नहीं मिलेगा। सो 3 मीटर इज द नाइस मतलब रेंज, नाइस रेंज टू रिएक्ट, मतलब रिएक्शन के लिए 3 मीटर काफ़ी अच्छा रेंज है। आप जल्दी से मतलब लेफ्ट या राइट काट के आप आराम से निकल जा सकते हो। पहुंच चुका हूँ 6 माइल ईटानगर सोगो एरिना पर। तो काफ़ी बारिश है और हम अपना मैच शुरू करने जा रहे हैं, और यह है ग्राउंड आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है। कोका कोका बोल 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 गोल बहुत बारिश दे रहा है इसलिए। नहीं आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब आपका तो ऑनलाइन पर भी है ना ये ग्राउंड का बुकिंग, ऑनलाइन भी तो कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और यहाँ पर है, हम बारिश पर अभी शुरू करेंगे, काफी बढ़िया मौसम है। चलो 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 टीम टीम सेट करो चलो। एंड दिस इज द रनर ऑफ द अरुणाचल आइडल, दिस इज माय फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड, और सब खेलेंगे। दिस इज पगल को काय गोल है क्या, ये अच्छा मारा है, बढ़िया गोल आई है, क्रॉस बार चैलेंज। टपक मेन मेन, रुको रुको बने बने, मिस फर्स्ट गोल, आज का मैच अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। और अभी 9:30 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि 2 घंटा हमने खेला, उसके बाद यहाँ पर तो सामा हम दोनों घर के तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि इनका घर भी आरजीयू पर है और मेरा दोईमुख पर है।
तो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे जब तक हम नाहरलगुन नहीं पहुंच जाते। तो कोल्ड स्टार थे, काफ़ी इंजन धंधा हो गया होगा इसलिए थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स हैं इसलिए। जिस रास्ते से मैं आया था NH415 जो कि खराब, बहुत ही ख़राब था, वो रास्ता भी कुछ इस तरह बन जाएगा बाद में, तो तब काफ़ी ही अच्छा होगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।